टेम है गया यार। ने सानू इस महान योधे का, इस महान बाबे का जिन्हें सरबंस है वो कौम वास्ते वारिया, इतने रह के खालसे का जिहड़ा पहला राज है जिन्हों माण प्राप्त है कि हिंदुस्तान। ये जगह बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने अपनी जिहड़ी राजधानी डिकलेयर की सी, तो इस जगह नूं उन्होंने लोहगढ़ का नाम दिता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, तो अज भी इस पिंड का नाम भी लोहगढ़ इस जगह पर। तो इत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने रह के जिहड़े सिक्के जारी किए, मोहर जारी कीतियां, जिन्हां मोहरों के उत्ते भी गुरु साहब की जिहड़ी उस्तत लिखी हुई सी, देख उत्ते गुफते नुसरत वेद रंग जाफता जनानक गुरु गोबिंद सिंह। ये सामने जिहड़ी पहाड़ी है ये किला लोहगढ़ साहब जिहड़ा इत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने 5.5 साल रह के लगभग राज कीता जी। तो इस तो बाद उधरले पासे चले गए, जिधरों जिदा जम्मू कश्मीर वाली पुंछ वाली साइड चले गए। पुंछ वाली साइड तो बाद फिर उधर कई जंगा लड़ियाँ, गुरदास नंगल तो फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने नाल जिहड़े 780 सिख सीगे, तो उस तो बाद दिल्ली दे विच जिहड़ी महरौली एक स्थान है जिथे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के नाल परले पासे पिछले पासे कुतुब मीनार दे उत्थे एक ख्वाजा बख्तार काकी की दरगाह है। दरगाह के कोल बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद किया गया। जिहड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर है उन्हां नूं जिहड़े उन्हां दे नाल जिहड़े 780 सिख सीगे, डेली एक सिख नूं डेली 100 सिख नूं शहीद किया जाता सीगा। तो अखीर दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दा टाइम आया, जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां नूं शहीद करन लगे ते उन्हां दा उन्हां नूं बड़ा हर तरह का लालच दिता गया, डराया धमकाया भी गया भी तुहानूं तुहाडे परिवार नूं मार दिता जाऊगा, ते तुहानूं उन्हां नूं लालच भी दिता तुहानूं हिंदुस्तान की फौज का सेनापति बना दिंदे आ। पर उन्होंने ना लालच मन्निया ना उन्होंने डर मन्निया, ते अखीर उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर का छोटा जिहा साहिबजादा भाई अजय सिंह जिन्हां दी उस वेले 4.5 साल उम्र सी उन्होंने शहीद कर दिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने जिहड़े घरों माता जी सी उन्होंने शहीद कर दिता। अखीर दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने बंद बंद कट के उन्होंने शहीद किया गया, अखां कढ़िया गई, होर जिहड़ा उन्हों का जिहड़ी जमूरां नाल उन्हों का मास नोचा गया। सो उस महान योधे की ये जिहड़ी इतिहासिक थां है ये लोहगढ़ साहब, उस महान योधे का स्थान है। इत्थे जिहड़ी संगत आउंदी है बड़ी दूरों दूरों संगत आउंदी है, इस जगह नूं खालसे की खालसा राज की पहली राजधानी होने का माण भी प्राप्त है। इत्थे साडे बाबा हरनेक सिंह जी बुढ़ा दल दे जिहड़े जथेदार है, बाबा बलवीर सिंह उन्हां वल्लों इत्थे थापे हुए जथेदार है, ये इत्थे सेवा कराउंदे ने, ते संगत जिहड़ी बहुत दूरों दूरों आउंदी है। असीं साल दे विच दो प्रोग्राम करदे हां जी उरे, एक अक्तूबर महीने च बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दा जिहड़ा जन्म दिहाड़ा मनाईदा है, ते जून महीने च बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा मनाईदा है। ते संगत नूं सारी नूं बेनती है कि वध तों वध इस महान योधे नूं सिजदा करन वास्ते पहुँचा करो। ये साडा जिहड़ा कौम नूं ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ी श्रद्धांजलि होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। बिल्कुल आउंदे आ जी, वह भी कुछ साल पहला मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, जिहड़ी सड़क का जिहड़ी हुण तुसीं आए हो इधरों पहला नदी दे विच दी लंघ के आउणा पैंदा सीगा, ते हुण जिहड़ी है जिहड़ी सड़क बनी है ये मनोहर लाल खट्टर जी ने बनाई है। मनोहर लाल खट्टर जी जिहड़े है उन्हां दा जिहड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दे जिहड़े नाल सिंह शहीद होए सीगे, जिहड़े गुरदास नंगल की गली चों 780 सिंह फड़े गए सीगे, गिरफ़्तार करन तों बाद उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। उन्हां दे विच कोई जिहड़े साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब है हरियाणे दे, उन्हां दा कोई बजुर्ग शहीद होया हुआ, जिहड़े खट्टर साहब ने जिन्ना क काम खट्टर साहब ने किया इत्थे इस किले वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर वास्ते, ते हुण तक किसी ने नहीं किया। उन्हें तो समझदा भी पूरे हिंदुस्तान 'च छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कल साडे पंजाब वास्ते हिमाचल वास्ते जां हरियाणे वास्ते काम नहीं किया, उन्होंने जिहड़ा मुगलों का राज सीगा वो 1000 साल पुराना राज सी।
इन्हों सारे बेनती है भी पूरे हिंदुस्तान बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने जो जन्म दिहाड़े की छुट्टी होनी चाहिए है, शहीद दिहाड़े की भी छुट्टी होनी चाहिए है। मेरी जी बेनती है मानयोग प्रधानमंत्री साहब न होम मिनिस्टर साहब न। इस महान योधे का इस महान बाबे का जिन्हें सरबंस है वो कौम वास्ते वारिया रह के खालसे का जिहड़ा पहला राज है जिन्हों माण प्राप्त है कि हिंदुस्तान दे एक मिनट रुक जाओ जी थोड़ा सर ज्यादा ना बाबा जी सही होनी चाहिए Yeah.
ਸਮੁੰਦਰ कृष्ण कुमार बावा प्रेजिडेंट बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन असी पिछले 31 साल तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं याद करते हैं। उन्होंने जीवन नाल संबंधित चार दिहाड़े 16 अक्तूबर 1670 जन्म पुंछ रजौरी तछल पिंड जम्मू कश्मीर के उन्हों का होया। उन्होंने गुरु साहब न मिलाप 3 सितंबर 1708 गोदावरी नदी के कंढे हजूर साहब होया। 12 मई 1710 में सरहंद फतेह करके पहले सिख लोकराज की स्थापना की। 9 जून 1716 उन्होंने शहादत दिल्ली महरौली विखे नेड़े कुतुब मीनार तरपोलिया ग्राउंड हुई। असी ये चारे दिहाड़े मनाने अज खुशी की गल है कि साढ़े जीवन अंदर उन्होंने जो 350 साल जन्म दिहाड़ा आ इस साल वो दिहाड़े का चल रहा। तो अज उदू भी खुशी की गल है कि अज असी जो उन्होंने बाबा जी ने राजधानी बनाई मुखलिसगढ़ जिन्हों लोहगढ़ कहते हैं, तो ये स्थान जो हरियाणा है हरियाणा के नाल दूजा हिमाचल भी पैंदा, 3 स्टेटां इकट्ठियां होंदियां ने, तो इस स्थान पर स्थित है। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर भवन रकबा तो सवेरे जत्था 7 बजे चलिया, जिहड़ा अज इत्थे हुण हाजिर होया। बकायदा अरदास हुई है, सारे ने विचार भी रखे ने, ज्ञानी जी ने बहुत ही डिटेल दे नाल दस्या। अज मैं समझदा कि उस महान योधे दे दिहाड़े मनाउणा, उन्हां दे दिन मनाउणा जिसने एक क्रांतिकारी समाजिक तब्दीली लैंदी, अज दे किसानां नूं मजारियां तो जमीनां दे मालक बनाया, लैंड टू टेलर के हल वाह की जमीन का मालक होवे, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की देन है। उन्होंने पहले सिख लोकराज की स्थापना की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम से सिक्का अते मोहर जारी की, जिस पर उकरिया सी देग तेग फतेह नुसरत बेदरंग जाफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। अज उस महान योधे जरनैल का जन्म दिहाड़ा मैं तो समझदा कि घर घर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अज जो हालात जो उन्हां दी देन जो उन्होंने समाजिक क्रांतिकारी तब्दीली लियांदी बहुत वड्डियां देणां ने उन्हां दीआं मनुखता दे लई, पर असी भुली बैठे हाँ ये दिहाड़े, ये इतिहासिक दिहाड़े भुलाई बैठे हैं। तो 16 अक्तूबर का दिहाड़ा मैं समझदा कि हर घर से देसी घ्यो का दीवा जगना चाहिए। सानू उस योधे नू याद करना चाहिए, जरनैल नू याद करना चाहिए, लोगों के अंदर मैसेज देना चाहिए। वो महान योधा जिथे मैं समझदा कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े फेमस कवि होए ने, उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम से उन्हां एक पोएम लिखी है, अते बाबा बंदा सिंह बहादुर नाम से पोएम लिखी है। उन्होंने उन्हां दी पोएम जिहड़ी कि असी फ्रेम करा के भी वंडदे हाँ। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की एड्डी वड्डी देन अज मैं समझदा पंजाब की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अज तो 3 दिन पहला 16 अक्तूबर की छुट्टी उन्होंने ऐलान करती, जिहड़ी कि राखवियां छुट्टियां सी उन्हूं गजटेड होलीडे करार देता, तो असी उन्होंने वधाई दें तो उन्हों का धन्यवाद भी करते हैं। अज असी हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब नूं भी बेनती करते हैं कि वह भी 16 अक्तूबर की छुट्टी का ऐलान कर। इस तरह जिहड़ी दिल्ली दे विच शहादत हुई है बाबा जी की, तो अज 350 साल जन्म दिहाड़ा बड़ा वड्डा मैं समझदा जिहड़ा दिल्ली दे विच शहादत जो, तो अज उत्थे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ने, असी उन्होंने भी बेनती करते हैं कि 16 अक्तूबर की छुट्टी है, 350 साल दिहाड़े से छुट्टी होनी चाहिए है। तो असी ये घट्टो घट 3 स्टेटा जबकि उन्हों का संबंध महाराष्ट्र नाल भी है, J&K नाल भी है। तो एक असी ये भी मंग करते हैं तो राही कि
जो एक्सप्रैस वे दिल्ली तो कटड़ा निकल रहा है, क्योंकि दिल्ली शहादत हुई है, जम्मू कश्मीर जन्म होया बाबा जी का, उस एक्सप्रैस वे का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखा जाए, ताकि उस महान योधे जरनैल की असी याद नूं ताज़ा करिए। मैं अज दे दिहाड़े ते इत्थे सारियां संगतां नूं लोहगढ़ दे विच एकत्र होईयां यमुनानगर की प्रैस का विशेष तौर पर धन्यवाद करदा, क्योंकि अज का जिहड़ा मीडिया दुनिया के कोने कोने दे विच पल पल की खबर पहुँचाउंदा है, अज उस महान योधे जरनैल नूं सच्ची श्रद्धा श्रद्धांजलि सत्कार यही होगा कि साडा सारयां दा फर्ज बनता है कि आओ असी मिल के उस योधे जरनैल नूं याद करिए। उन्हां दा 16 अक्तूबर का दिहाड़ा असी पूरे खुशियां दे नाल, मैं तो यह कहूँगा कि देसी घ्यो दे दीवे बाल के मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। आपके साथ कौन कौन अभी ने, सबका मंत्री ने ते साडे ओह मुख सरप्रस्त भी ने, अमरजीत सिंह ओबराए ने, पंजाब कांग्रेस के जनरल सैकटरी ने, ते साडे कन्वीनर ने कर्नैल सिंह गिल ने, साडे 51 का साडा जत्था चलिया अज रखवा भवन तो। उस तो बाद असी सानेवाल दुराहा खन्ने दे विच गुरकीरत सिंह कोटली MLA ने, उन्होंने अगे आके सड़क पर आके स्वागत किया जत्थे का, फिर सरहंद दे विच, फिर राजपुरे साडा विक्रम सिंह है यूथ नेता, उन्हों का प्रोग्राम साडे सुरजीत सिंह ट्रस्टी, तो फिर हरियाणे दे विच आए तो साडे अमराव सिंह छीना जी, तो इन्हों का वड्डा मैं समझदा क्योंकि 2-4 दिन पहला आके सारी प्लैनिंग करके गए ने इत्थे आके, तो छीना जी का सारा साडे सत्कार जो मैडम खड़े ने, इन्होंने सारा ऑर्गेनाइज़ किया। मैं सारयां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद करता।